नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सू भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओपी राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक भावनात्मक अपील भी की है। राजभर ने इसी के साथ सरकार से अपील की है कि वो इस फिल्म को पूरे प्रदेश की बहन बेटियों के लिए फ्री कर दे। उन्होंने फिल्म को लेकर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में उन्होंने फिल्म की कहानी को जनता से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि इस फिल्म में पूरी फिल्म की सच्चाई एक संवाद में छुपी है। जब एक लड़की दहशतगर्दों से बचकर अपने पिता से माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे इन हालातों के जिम्मेदार आप भी हैं, जिन्होंने बचपन से हमें पश्चाताप और दूसरी बाहरी संस्कार दिए, कभी भी हमें अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है इस फिल्म को केंद्र और राज्य सरकार को लड़कियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य विषय नहीं है। बता दें, फिल्म द केरल स्टोरी का मुस्लिम समुदाय के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही राजनीति में भी फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं के जबरन धर्मांतरण कराने और ISIS में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में प्रदर्शित की गई इस कहानी को फर्जी बताते हुए समाज का एक तबका इसका विरोध कर रहा है। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन ISIS की आतंकी बन गई। कुछ लोग फिल्म को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा था। केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म द केरल स्टोरी को रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।